हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर प्लान। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं इंटरव्यू के बारे में कि मर्चेंट नेवी को क्रैक करने के लिए, मर्चेंट नेवी अच्छी तरीके से स्पॉन्सरशिप लेने के लिए इंटरव्यू बहुत ही बड़ा और बहुत ही बेसिक पार्ट्स है जिसको हर बंदे लोगों को इंटरव्यू देना पड़ता है, और किस तरीके से इंटरव्यू में अच्छे से अच्छे इंटरव्यू को क्रैक किया जाए। तो फुल इन्फॉर्मेशन जानेंगे इस वीडियो के में। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊंगा पार्ट्स बाय पार्ट, मैंने डिवाइड करके मैं आप लोग को इंटरव्यू के बारे में बताऊंगा फुल इन्फॉर्मेशन कि किस तरीके से इंटरव्यू को देखा जाता है। तो यार, इंटरव्यू में बेसिकली चेक क्या चेक किया जाता है। सबसे पहली बात तो इंटरव्यू में आप लोगों का कॉन्फिडेंस देखा जाता है, ठीक है। हम लोग सारे चीज़ को साइड में रखकर पहले बात करते हैं कि इंटरव्यू होता कि मैं मर्चेंट में। पहले क्या होता था, तो यार पहले मर्चेंट में इंटरव्यू नहीं होता था, ठीक है। आज से अगर बहुत साल पहले की बात करोगे, जिस टाइम मर्चेंट नेवी एज ए स्टार्टिंग सब सुना होगा कि यार मर्चेंट नेवी कुछ होता है और शिपिंग फील्ड उस टाइम में जिस टाइम में ट्रेंड आया होगा, तो यार उससे पहले इंटरव्यू नहीं था। बट बेसिकली जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ता चला गया, उस तरीके से इंटरव्यू वगैरह का जो क्वेश्चंस लेवल है या फिर एग्ज़ाम का पैटर्न है, इंटरव्यू का पैटर्न, वो अपडेटेड होता चला गया। और वो आज के दौर में बंदे लोग बोलते हैं कि यार बहुत ज़्यादा टफ है इंटरव्यू निकालना, क्योंकि इंटरव्यू बेसिकली बंदे लोग का चेक किया था कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। बेसिकली उस चीज़ को चेक किया था इंटरव्यू में आपका। और जो इंटरव्यू राउंड होता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, मॉक टेस्ट होता है, इस समय बेसिकली वही चीज़ पता लगाया था कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो किसी भी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो यार इंटरव्यू में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आप लोगों को मैं यहाँ पे एक वीडियो पिंग कर दूंगा, आप लोगों को मैं बता दूंगा इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली मैं आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो अपडेटेड वीडियो है, वो वीडियो अगर आप देख सकते हो वो भी वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। वो मैंने आज से बहुत दिन पहले बनाया था जो कि उस टाइम उस सिचुएशन के हिसाब से था, ठीक है। तो आज जो हम लोग का क्वेश्चन था कि इंटरव्यू जो वो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो यार देखो, इंटरव्यू होते हैं वो डिपेंड करता है कंपनी पे, वो कौन सी शिपिंग कंपनी इंटरव्यू ले रहा है और क्यों ले रहा है, सिचुएशंस क्या उस कंपनी के। मान लो कि यार आप जा रहे हो तो एज ए फ्रेशर जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, या फिर आप सेकेंड टाइम जा रहे हो। मान लो कि अगर आप सेकेंड ऑफिसर जा रहे हो, थर्ड ऑफिसर जा रहे हो, या फिर आप थर्ड इंजीनियर जा रहे हो शिपिंग फील्ड में, या फिर आप फ्रेशर स्पॉन्सरशिप लेने के लिए जा रहे हो, तो उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है, उस टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं जो आज बनाया हुआ वीडियो वो फ्रेशर लोग के लिए बनाया, जो बच्चे लोग स्पॉन्सरशिप लेना चाहते हैं। तो देखो, हर कंपनी की अलग अलग क्राइटेरिया है, ठीक है, इंटरव्यू कंडक्ट कराने का, इंटरव्यू लेने का, और उसका अलग अलग बंदे लोग को सिलेक्शन प्रोसीजर करने का, उसका अलग से ही प्रोसीजर है। मींस कि हर कंपनी का अलग अलग प्रोसीजर है बंदे लोग को सिलेक्ट करने का, ठीक है। जस्ट लाइक एक एग्जांपल ले लो कि कुछ कंपनी है, ठीक है, जो आपसे रिलीजियस बेस पे क्वेश्चन पूछती है, यानी कि आप जिस भी रिलीजियस से हो उस रिलीजियस से क्वेश्चन पूछते हैं, और कुछ कंपनी है जो नहीं पूछती उसके बारे में, तो ये एक अलग टॉपिक है, ठीक है। और नॉर्मली जो भी कंपनी जब वो सारी टेक की नॉलेज थोड़ी बहुत पूछती है, जो टेक्निकल नॉलेज सब होगी, जैसे कि शिप्स की पार्ट्स कौन सी है, ठीक है, तो वो सब पूछते हैं कि ये पार्ट्स क्या बोला जाता है। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वो आपको सिंबल दिखाएंगे, वो आपको इमेज दिखाएंगे, बोलेंगे इसको क्या क्या आता है, ठीक है। तो वो एक अलग लेवल हो गया, वो आपको थोड़ा अलग पढ़ना पड़ता है। दूसरे नंबर पूछे जाते हैं आपसे सी रूट्स के बारे में, ठीक है, सी रूट्स के बारे में पूछे जाएंगे, कौन कौन से सी रूट्स हमको यहाँ जाना होगा, कौन कौन सी जो पोर्ट्स है, जो बेस्ट पोर्ट्स है, वो सब के बारे में पूछा जाएगा, जहाँ पे नॉर्मली बंदे लोग का ज्वाइनिंग होता रहता है, साइन अप होता है, साइन ऑन होता है, तो उस पोर्ट्स के बारे में थोड़े बहुत क्वेश्चंस होते हैं। बेसिकली डिपेंड क्या करता है इंटरव्यू में आपका चेक किया था आप कितने कॉन्फिडेंस हो। यार अगर इंटरव्यू की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा अगर टफ जो बंदे लोग कहते हैं और बंदे लोग मानते हैं और वो एक्चुअली में है भी, वो अगर इंटरव्यू बात किया जाए तो वो यूपीएससी का इंटरव्यू होता है, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा टफ होता है। तो उसमें क्या इंटरव्यू जो होता है उसमें बेसिकली आपको पता है उसमें क्या चेक किया जाता है कि बंदा कितना कॉन्फिडेंट है, ठीक है। जस्ट लाइक मान लो इंटरव्यू यूपीएससी का जो इंटरव्यू होता है उसमें मान लो कि 10 क्वेश्चन पूछा गया, 10 में से अगर आपने 9 क्वेश्चन का जवाब जो गलत दिया है तो फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि 10वां क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है, लास्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है, तो आप 9 क्वेश्चन का आंसर गलत दिए, वो आपको पता भी कि मैंने 9 जो मैं आंसर दिया वो गलत है, लेकिन वो 10वां क्वेश्चन को आप फेस किस तरीके से करते हो, ठीक है, वो सबसे बड़ा पॉइंट है, वो वहाँ पर ज़्यादा मैटर करता है। तो यार ये ज़रूरत पड़ता है कि आपके पास आंसर आ रही है नहीं आ रही है वो बाद की मैटर है, लेकिन आप उस सिचुएशन को हैंडल किस तरीके से कर रहे हो, ठीक है। अब बहुत सारे बंदे लोग होते हैं यार जो मतलब एक अलग ही तरह का फेस बना लेते हैं, वो लोग एक अलग सा उसका माइंडसेट बन जाता है, वो वहाँ पे वो लोग का मींस कि कम्युनिकेशन अच्छा नहीं कर पाते, वो लोग कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी उसकी वीक होती है, तो वहाँ पे वो लोग रिजेक्ट हो आते हैं। तो यार इस जो इंटरव्यू में बेसिकली किस तरीके से किया जाए, इंटरव्यू में सबसे पहला जो पॉइंट है कि आप पॉजिटिव रह के आंसर दो, वो सामने वाला जो आपका इंटरव्यू लेगा, जो कैप्टन होंगे, जो चीफ इंजीनियर होंगे, चीफ ऑफिसर होंगे, तो
कोई भी क्वेश्चन पूछता है, निगेटिव क्वेश्चन पूछे, पॉजिटिव क्वेश्चन पूछे, कैसा भी क्वेश्चन पूछता है, उसका आंसर आपको प्रॉपर पॉजिटिव वे में देना है। यानी कि निगेटिव वे में आपको कभी नहीं जाना है, हमेशा पॉजिटिव वे में आंसर देना है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद से वो ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे बुक से नहीं पूछेंगे, वो ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे, वो आप ही के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, वो आप जो पढ़ के आए हो टेंथ और टू बोलते हैं, उससे बहुत ही कम क्वेश्चन होंगे। ठीक है, बहुत क्वेश्चन हो सकता है मे बी कोई कंपनी पूछ ले, फिजिक्स के कोई लॉ पूछ ले या फिर केमिस्ट्री के कोई इक्वेशन पूछ ले, मे बी बोल रहा हूँ। ज़्यादातर जो फोकस करता है वो लोग कि आपसे आपका लिया जाता है इंट्रोडक्शन लिया जाता है। ठीक है, वो बोला जाता है आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए, तो आप अपना इंट्रोडक्शन किस तरीके से दे सकते हो सही वे में, आपका कम्युनिकेशन स्किल चेक किया जाएगा वहाँ पे कि यार आप कम्युनिकेट सामने वाले बंदे के साथ किस तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहे हो। ठीक है, बेसिकली 90% जो इंटरव्यू होता है वो इंग्लिश में लिया था और 10% इंटरव्यू जो होता है वो हिंदी में लिया था। ठीक है, बहुत ही कम कंपनी जो हिंदी को अभी जो है वो लेती है हिंदी में इंटरव्यू, और अभी लगभग सारी की सारी कंपनी इंटरव्यू इंग्लिश में लेती है। आप जैसे ही इंट्री करोगे आपसे वो इंग्लिश में अगर बात करता है तो आपको इंग्लिश में रिप्लाई देना, और अगर वो आपसे हिंदी में नॉर्मल में बात कर रहा है तो आप उसे नॉर्मल में भी रिप्लाई दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ़र्क ये पड़ता है कि आपको रिप्लाई देने का कम्युनिकेशन स्किल आपका कैसा है, मीन्स कि आप उसको आपका बिहेव क्या वहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो वो सब फोकस करता है इंटरव्यू में, और वो सब एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट बनाता है आप लोग को अच्छा से अच्छा रैंक स्कोर करने में इंटरव्यू में। ठीक है, तो आपसे नाम पूछता है और पूछता है आप लोग से इंट्रोडक्शन देने के लिए अपने बारे में। अब इंट्रोडक्शन में भी बहुत सारे मतलब मिस्टेक क्या करते हैं कि मान लो अगर आपसे पहले पूछ लिया गया नाम क्या आपका, फिर आपसे पूछा जाता है इंट्रोडक्शन योर सेल्फ, तो फिर वो उन्हें नाम बताते हैं, तो यहाँ पे यार लोग अपने मार खा गए। दूसरे नंबर फिर आपसे पूछता है कि अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में जब लोग बताते रहते हो तो अपने फादर या फिर अपने मदर के नाम के आगे, अपने फादर के नाम के आगे मिस्टर और अपने मदर के नाम के आगे मिसेज लगाना भूल जाते हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपका इंटरव्यू में। ठीक है, तो इसको देखना, छोटी छोटी पॉइंट्स मैं आप लोग को बता रहा हूँ जिसकी वजह से आप लोग अच्छे से अच्छा रैंक स्कोर कर सकते हो। ठीक है, उस हिसाब से आपके बारे में थोड़ा पूछेगा आपकी हॉबी के बारे में बेसिकली। ठीक है, कि आपका वो इंट्रोडक्शन लेगा उसके बारे में, अगर आप बोलते हो कि यार मेरी हॉबी ये है मेरी हॉबी वो है, तो आपसे हॉबी से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछेगा। या फिर आपने जो फॉर्म में फिल किया हो, आप लोग जिस भी कंपनी का स्पॉन्सरशिप लेने के इंटरव्यू देने आते हो तो आप फॉर्म ऑब्वियसली फिल करते हो, तो आपने फॉर्म फिल करने में जब आपने लिखा कि यार मेरी हॉबी स्पोर्ट्स में, मान लो कि स्पोर्ट्स में है, क्रिकेट में है, तो स्पोर्ट्स में माने कि न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ, तो आपकी जो भी हॉबी है, जो भी आपने वहाँ पे हॉबी लिखा है, उस हॉबी से रिलेटेड आपको डेटा होना चाहिए, मीन्स कि उसका डिटेल होना चाहिए। यानी कि अगर मान लो आपसे आप भर देते हो यार कि क्रिकेट है मेरा हॉबी, और तो क्रिकेट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यार कितने टीम होते हैं, बॉल का वेट कितना होता है, पिच की लंबाई कितनी होती है, ठीक है, एक ग्राउंड में कितने प्लेयर होते हैं, कितने प्लेयर वो खेलते हैं, एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं, तो उस हिसाब से आपको उस पर्टिकुलर गेम से रिलेटेड आपको पूरा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो भी आपसे पूछेगा कि आपकी हॉबी क्या है, तो वहाँ पे आप उसका आंसर दे सकते हो, तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आप लोग का। ठीक है, या फिर जो बहुत सारे बंदे लोग जो मिस्टेक करते हैं, मान लो कि हॉबी में साइकिलिंग भर दिए या फिर कबड्डी भर दिए, पेंटिंग वगैरह भर दिए, कुछ भी भर देते हैं बंदे लोग, मतलब बंदे लोग जो भी मन में आता भर देते हो हॉबी फॉर्म फिल करने के टाइम, ये आपको नहीं करना। आप लोग को जो भी हॉबी भरना है, कम से कम हॉबी भरो, जो भी हॉबी भरो उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोग के पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से आप लोग का जो रिलीजियस बेस पे, मैंने आप लोग बता दें कि रिलीजियस बेस पे क्वेश्चन होता है, यानी कि आप जिस भी रिलीजियस से हो, मान लो कि आप मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जिस भी रिलीजियस से हो, रिलीजियस बेस पे थोड़ा कुछ पूछा जाता है। यानी कि अगर आप मुस्लिम हो तो पूछ लेंगे आप लोग कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे उनके बारे में, फिर उनका जो बायोग्राफिक थोड़ी बहुत पूछ लेंगे, या फिर अगर आप भरते हो हिंदू से हो तो रामायण के बारे में थोड़ी बहुत पूछ लेंगे, ठीक है, महाभारत कब हुआ था। तो यार रिलीजियस में जो मतलब बेसिक पॉइंट्स है वो उस लोग को थोड़ा बहुत पढ़ लेना। ठीक है, आप जिस भी रिलीजियस से हो उसको ज़रूर पढ़ना, क्योंकि फ्लीट मैनेजमेंट का अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो तो बहुत ही बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा अगर ये सब का ध्यान देते हो। ठीक है, तो यार अगर आप क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं दे पा रहे हो तो सॉरी बोल के आगे बढ़ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, बट नहीं आ रहा और बात को गोलूर घुमाने का नहीं है। ठीक है, नहीं आ रहा सिंपल से बताओ सर नहीं आ रहा मेरे को, वो फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, कोई कंपनी आपसे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछे कि आप मर्चेंट में क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो आजकल जो 70% स्टूडेंट है या जो ऑल ओवर, वो सिर्फ इतना ही जानते हैं कि पैसे के लिए मर्चेंट में ज्वाइन करते हैं, बोलते हैं यार अच्छी खासी सैलरी, जो फैक्ट भी है, बोलते हैं यार इसमें अच्छी खासी सैलरी है, बस बात खत्म हो गई, बंदे लोग ज्वाइन करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन जो उसका पूरा मतलब आपसे पूछा जाएगा कि आप लोग मर्चेंट नेवी फैमिली, आपके फैमिली में मर्चेंट नेवी में कौन कौन है, आप किसको देख के मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ठीक है, तो यार आपके पास इसका एडवांटेज होना चाहिए कि भाई इस वजह से मैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग के पास जो 5 से 10 ऑप्शंस कुछ ऐसा होनी चाहिए जो आप लोग को वहाँ पे बताओ कि सामने वाले बंदे को लगे कि हाँ यार मतलब बंदा सही में उस चीज़ को देख के ज्वाइन कर रहा है। और पैसे का तो कभी नाम मत ही लेना कि यार पैसा को देख के आप ज्वाइन कर भी रहे हो।
उसके बाद से मैंने जो जो भी कंपनी का इंटरव्यू देते हो, चाहे वो डॉक एंड डील हो गया, फ्लीट मैनेजमेंट हो गया, सिनर्जी हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, जो भी शिपिंग कंपनी का आप जाते हो इंटरव्यू देने के लिए, तो यार अपना बॉडी लैंग्वेज सही रखना, ठीक है, और अपना कम्युनिकेशन। बॉडी लैंग्वेज मतलब क्या, कोई कोई बंदे जैसे कि मैं गया, ठीक है, मैं जाके टेबल पे बैठता हूँ, अब कोई कोई बंदे होते हैं हाथ ऐसे ऐसे वो लोग करते रहते हैं, ठीक है, मतलब सामने वाला इंटरव्यू ले रहा है मेरे से और क्वेश्चंस का अगर मेरे को आंसर नहीं आता ऐसे ऐसे कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं करना, मतलब ये एक नेगेटिव इंपैक्ट बनाता है, ऐसे ऐसे नहीं करना आपको, ठीक है। उसके बाद से कोई कोई बंदे होते हैं जो लोग मतलब ऐसे करके बैठ जाते हैं या फिर ऐसे करके बैठ जाते हैं, मतलब आपको बैठना, आपका जो ये जो बैकबोन होता है स्ट्रेट रखना है, ठीक है, ऐसे रखना है, अपने दोनों हाथ को अपने दोनों पांव पर रख के ऐसे बैठना है, और बॉडी लैंग्वेज आपका सही होना चाहिए, मींस कि आपका जो बॉडी लैंग्वेज निकलता है सामने वाले को लगता हो कि मतलब बंदा सही से बैठा हुआ, ठीक है, आपको क्यों हो गया ऐसे जाके बैठ गया या फिर ऐसे बैठ गया, ऐसे कुछ भी टेक नहीं लगना चाहिए आपको, सब सिंपल सा स्ट्रेट बैठना है, आपका बैकबोन स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है, पीछे का बैकबोन आपका स्ट्रेट होना चाहिए, तो ये सब चीज़ पर थोड़ा ध्यान देना इंटरव्यू में। उसके बाद से जो आपका इंटरव्यू जो सामने वाला बंदा इंटरव्यू ले रहा है, वो कैप्टन जो है, जो भी ऑफिसर्स हैं, तो उसके सामने में यार अपने चेहरे पे स्माइल रखना थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि मतलब कोई क्वेश्चन का मान लो क्वेश्चन वो आपसे पूछता है और उसका आपको आंसर नहीं आ रहा, तो यार फेस को बहुत सारे बंदे लोग जो सैडनेस वाला फेस बना लेते हैं, तो यार उसको वहाँ पे ध्यान देना, सैडनेस वाला फेस अगर आप बनाते हो तो यार आपका फेस देख के वो भी सामने वाला बंदा सैडनेस फील करेगा ना, मतलब फेस पे एक छोटी सी स्माइल रखो, ज़्यादा स्माइल नहीं, छोटी सी स्माइल देना उसको, बस वो समझ जाएगा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेगा अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, ठीक है, मान लो क्वेश्चन अगर पूछा नहीं आता है, सॉरी सर, बस स्माइल देकर चले जाओ, सर खुद उस वो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। उसके बाद से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको जो भी क्वेश्चन पूछता है फुल कॉन्फिडेंस होके उसका आंसर देना है, चाहे आपको आंसर आता हो चाहे नहीं आता हो, नहीं भी आ रहा तो सॉरी सर नहीं आता है, बात ख़त्म, मतलब ऐसा नहीं कि सॉरी सर ऐसे मतलब नहीं आ रहा है वो, मतलब पॉजिटिव उसको इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, आपको नहीं भी आ रहा क्वेश्चन का आंसर तो, ठीक है। इंटरव्यू में बेसिकली यही चीज़ देखा जाता है कि कम्युनिकेट सामने वाले बंदे के साथ कैसे कर रहे हो, क्योंकि आपको जाना है फॉरेन कंट्री, आपको डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोग मिलेंगे, तो उस लोग के साथ आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर पाओगे, शायद आप चाइनीज के साथ चले गए, आप अमेरिकन लोग के साथ चले गए, ठीक है, हर मतलब कंट्री में हर तरह के बंदे होते हैं यार, तो आप उस लोग के साथ कम्युनिकेट कैसे कर पाओगे, आप लोग की इंग्लिश फ्लुएंटली अगर आप इंग्लिश नहीं अच्छा बोल पाओगे तो यार कम्युनिकेट कैसे कर पाओगे, आपकी जो स्मोकिंग सही से नहीं हो रही है तो सामने वाला बंदा के साथ आप कैसे बात कर पाओगे, किस तरीके से समझ पाओगे कि यार क्या सामने वाला बंदा बोल रहा है, तो इस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जाता है, इस चीज़ के लिए आप लोग को तैयार किया जाता है। और जो सबसे पॉजिटिव और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यार कि मतलब बंदे लोग इंटरव्यू देने जाते हैं बोलते भाई हमसे नहीं होगा, मतलब भाई मेरे से तो होने वाला है ना इंटरव्यू, उस लोग को ही मिलेगी स्पॉन्सरशिप, हम लोग को कैसे मिलेगी स्पॉन्सरशिप, मतलब सोचते हैं यार कि हम लोग भाई गांव के हैं, विलेज साइड के हैं, हम लोग को स्पॉन्सरशिप नहीं मिलने वाला, ये वो जो बंदे लोग सोच के आते हैं निगेटिविटी कि भाई हम लोग छोटे स्कूल से पढ़े, हम लोग सरकारी स्कूल से पढ़े, हम लोग को कहां से मिलेगा स्पॉन्सरशिप, तो यार इस चीज़ को यहां से निकाल दो, जितना जल्दी निकालोगे उतना आप लोग को रिकवरी करने में फ़ायदा होगा, उतना अच्छा करियर बनाने में फ़ायदा होगा। यार सबसे पहले पॉजिटिव रह के फुल कॉन्फिडेंस रह के आपको आंसर देना है, ठीक है, चाहे सामने वाला बंदा अगर आपको शेक करने के लिए, अगर आपको हाथ मिलाने के लिए बोलता है तो फुल कॉन्फिडेंसली आपको हाथ मिलाना है, ये लगना चाहिए कि भाई बंदा हाथ मिला रहा है, ऐसा नहीं कि मतलब स्टार्टिंग में ऐसा हाथ सब लूज़ हाथ, अगर आप स्टार्टिंग में अपना हाथ अगर लूज़ कर देते हो ना तो उस टाइम में पता चलेगा बंदा कॉन्फिडेंस नहीं है, वहीं पर शो हो जाएगा कि अगर बंदा सामने वाला बंदा जो वो कॉन्फिडेंस नहीं है इंटरव्यू के लिए, तो यार इंटरव्यू देने जा रहा है तो उस हिसाब से बन के जाना, उस हिसाब से आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपको टेक्निकल नॉलेज वगैरह, ठीक है, आपको थोड़े बहुत रिलीजियस के क्वेश्चंस वगैरह होने चाहिए, थोड़े बहुत जो मर्चेंट नेवी के क्वेश्चन है कि व्हाई डू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, मर्चेंट नेवी क्यों ज्वाइन करना चाहती हो, इसके बारे में पॉजिटिव एडवांटेज वगैरह, जितना भी आपको एडवांटेज हो सके, अगर आप लोगों ने मर्चेंट नेवी के बारे में एडवांटेज पे अगर वीडियो नहीं देखा कि मर्चेंट नेवी के बारे में मर्चेंट नेवी का एडवांटेज क्या क्या है तो मैं उस वीडियो को यहाँ पे पिंक कर दूंगा, आप लोग उसको देख लेना, ठीक है, ताकि आप लोग को अगर आपको पता होता है कि भाई एडवांटेज क्या है तो वहाँ पे आप बता सकते हो इंटरव्यू में कि भैया एडवांटेज ये है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में घूमने का मौका मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ कम्युनिकेट करने का मौका मिलता है, वहाँ की कल्चर, वहाँ की सोसाइटी को जीने का मौका मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री करेंसी को देखने का मौका मिलता है, तो यार आप अपने मन से आंसर क्रिएट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि जो बुक्स में लिखी हुई है रटी हुई आंसर सब जाके सुनाओगे उसको, मतलब एक 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 बुक्स में डाली हुई आंसर सबको, सब जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए, सब वही रटे रटे सुनाए हो, मतलब सब वहाँ पर मगअप किया हुआ लाइन को आप जाके फेंक रहे हो धड़ाधड़ धड़ाधड़, तो क्या होगा, वो सामने वाला बंदा समझ जाएगा यार इस बुक से पढ़ के आया, कोई दिक्कत नहीं है फिर, तो अपने मन से आंसर क्रिएट करो, भले थोड़ा बहुत इंग्लिश में मिस्टेक होगा चलेगा, थोड़ा बहुत कम्युनिकेट करने में मिस्टेक होगा चलेगा, लेकिन खुद से जो आंसर आप क्रिएट करके दोगे ना तो वो एक प्योर होगा, सामने वाला बोलेगा हाँ यार ये बंदा सही बोल रहा है यार, तो वो समझ जाएगा, ठीक है, तो ये सब चीज़ पे आप लोग को फोकस करना है,
ठीक है, अगर जो मतलब हॉबी में सिंगिंग वगैरह करते हो तो यार एक अच्छा सा गाना तक जाना कि यार वहाँ पे अगर उसको गाना सुना दो तो यार आपको फ़ैन हो जाए, बस ये सब छोटी छोटी पॉइंट्स है जिसकी वजह से आप लोग इंटरव्यू में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ऐसा चीज़ आप लोग को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो यार मैंने आपको सारा का सारा बता दिया। हाँ, और किसी भी मतलब कंट्री से रूट्स पूछेगी, कंट्री की करेंसी वगैरह थोड़ी बहुत पूछी जाती है, उसके बाद से आप लोग को कंट्री की टाइम वगैरह पूछी जाएगी कि कौन सी कंट्री, मतलब अभी अगर मान लो कि 12 बजे तो उस कंट्री में अभी कितना बजता होगा, तो ये सब कंट्री की टाइम वगैरह कितना मिनट आगे कितना मिनट पीछे, तो वो सब थोड़ा याद कर लेना। किस कंट्री में कौन कौन सी करेंसी चलती है, वो करेंसी यानी कि डॉलर हो गया, यूरोप हो गया, तो हर कंट्री का अलग अलग करेंसी है, तो वो सब को याद कर लेना कि कौन सी कंट्री के कौन कौन सी करेंसी है, तो करेंसी ज़रूर याद कर लेना। ठीक है, तो यार ये सब बेसिक्स पॉइंट्स मैंने आप लोग को बता दिया कि अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर करने में आप लोग को ये सब बहुत ही बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट बनाएगा। ठीक है, और अगर मैं स्टडी से रिलेटेड मैं बात करूँ, ट्वेल्थ की मैं सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो ट्वेल्थ में फिजिक्स नॉर्मल और केमिस्ट्री वगैरह से थोड़े बहुत क्वेश्चन रहते हैं, मैथमेटिक्स से तो एक दो क्वेश्चन अगर बहुत हो गए तो फॉर्मूला पूछ लेंगे बस। अभी जो है वो ट्वेल्थ में बेसिकली समझ लो कि जो भी इंटरव्यू होते हैं वो आपसे स्टडी से रिलेटेड 11th 12th से रिलेटेड बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, थोड़े बहुत क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लें डायरेक्शन से, गैस से, या फिर सॉलिड स्टेट से, ठीक है, या फिर डिस्टेंस, थर्मामीटर वगैरह से पूछ लें, जो बेसिक से क्वेश्चन होते हैं वो सब आपसे पूछ सकते हैं, या फिर पूछेंगे वो आपसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो COT है, मतलब जो भी मतलब बेसिक से कॉमर्स, जो अगर आपने 10th और 12th ठीक से अगर नॉर्मल से पढ़ा है, ठीक है, तो आप आराम से देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भैया कि क्या है। ठीक है, बंदे लोग इसको ना यार झूठ का बहुत ही टफ लेकर चले गए, वो लोग कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं या फिर झूठ का वो लोग पैसा को वेस्ट करते हैं यहाँ वहाँ जाके, कुछ भी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा अगर आपने 10th और 12th पढ़ा है ढंग से, अगर आपने 60% भी अगर आप लेके आते हो, एवरेज स्टूडेंट हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपल से जाकर ज्वाइन करो, कोई चीज़ किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। और मैं आप लोग को अपडेट इन्फॉर्मेशन देने के लिए हूँ, और मैं जल्द से जल्द आप लोग का लाइव इंटरव्यू भी मैं आप सोचा हूँ कि स्टूडेंट लोग का लूँगा, जिसकी वजह से आप लोग का कॉन्फिडेंस होता रहे। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसके लिए कोई चार्ज वगैरह नहीं ली जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, बंदा लोगों को कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा मर्चेंट फील्ड में आने के लिए, और जो भी बंदे लोग इंटरव्यू देने हैं, क्योंकि अभी बंदे लोगों का क्या है कि IMECET होगा, IMECET के बाद लगातार धराधर सारी की सारी कंपनी इंटरव्यू लेना चालू कर देगी, और बहुत सारी कंपनी तो चालू कर भी चुकी है। ठीक है, तो इंटरव्यू में आप लोगों को कॉन्फिडेंस थोड़ा आता चला जाएगा, तो मैं सोचा हूँ कि आप लोग के लिए जल्द से जल्द ये भी फैसिलिटी लाई जाए। तो फ्रेंड्स भाई को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, क्योंकि मैं आप लोग को इसी तरीके से अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ला कर देता रहता हूँ। तो यार मेरे भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक भी जरूर करना। ठीक है, और मैंने एक बुक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाला, अगर आप वो मर्चेंट नेवी का वो बुक है, अगर आप लोग नॉर्मल मर्चेंट नेवी की प्रिपरेशन करना चाहते हो, अगर आप लोग 12th में अगर आप लोग अपेयर हो, या फिर जो भी मर्चेंट नेवी के कोर्सेस करना चाहते हो, तो आप लोग स्पॉन्सरशिप जो एग्ज़ाम देते हो, या फिर आप लोग IMECET देते हो, इंटरव्यू से रिलेटेड जो शिप्स के पार्ट्स वगैरह होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल या फिर इंग्लिश से रिलेटेड हो गया, जो भी मर्चेंट नेवी में IMECET रिलेटेड, स्पॉन्सरशिप रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड, बेसिकली सारे के सारे आप लोगों को क्वेश्चन के पैटर्न किस किस तरह के क्वेश्चन सब होते हैं, तो उस बुक्स का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रखा हूँ, अगर आप लोग को बाय करना हो तो कर सकते हो, और अगर आप लोग का बुक है मर्चेंट नेवी के प्रिपरेशन करने के लिए, तो आप लोग किसी भी नॉर्मल बुक से पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग का मर्चेंट नेवी के लिए प्रिपरेशन करने के लिए कोई भी अगर आप बुक नहीं है, कोई हेल्प बुक नहीं है कि किस तरीके के एग्जाम के पैटर्न्स होते हैं, किस तरीके के एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, तो आप लोग वो बुक को खरीद देख सकते हो कि भाई एग्जाम के किस किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, कौन से बच्चे क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस बुक का लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, और आप लोगों को कोई भी कैरियर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस मन में, कोई भी डाउट्स हो कमेंट करना। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।